मेरी बेल्ट, शूज, बूट सब उतरवा दिए थे। वहाँ पे आए हैं, कैसे आए हैं, जो लैंडिंग करी है ना अभी, आप मेरे ब्लॉग में देखना, भरोसा नहीं हो रहा था। बोल रहे थे चुप रहो, कुछ तो गलत लग रहा है। नहीं 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 नहीं, चुप रहो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल। सो आज है पेरिस का डे वन। एक मिनट, पेरिस तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ मतलब यहाँ से शुरू हो गया, मतलब अभी हम लोग बार्सिलोना में हैं और आज हमारी फ्लाइट है पेरिस के लिए। तो हमारी पैकिंग वगैरह सब डन हो चुकी है, वो तो मैंने दिखा दिया था आपको इसके पहले वाले व्लॉग में। थोड़ी देर बाद हम लोग निकलते हैं। सो गाइज, अभी आपको मतलब अब के बाद से, जब ये व्लॉग चला जाएगा उसके बाद से आपको धड़ाधड़ मेरे चैनल पर अभी सिर्फ पेरिस के ही व्लॉग मिलेंगे देखने को। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे एंड मैं भी अच्छे से शूट कर पाऊँ, क्योंकि मैं इतनी एकदम अच्छी नहीं हूँ व्लॉगिंग में, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे है अपनी व्लॉगिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ और अच्छे से सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों को पसंद आए। प्लीज़ अभी मैं जाती हूँ रेडी होने, फिर रेडी होकर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। मैंने ना पेरिस के लिए पार्सल्स मिलाए थे और वो जस्ट अभी आ रहे थे हमारी फ्लाइट के लिए। हम निकल रहे थे, पार्सल एक दिन पहले नहीं आ सकता था, मतलब जस्ट हम फ्लाइट के लिए निकल रहे हैं और तभी ये पार्सल आया। और गाइस ये वो ड्रेसेस है जो मैंने ना डिज्नी पेरिस के लिए मंगवाई थी, लेकिन ये आई नहीं थी। ये कैप आई है, अरे यार ये तो लेके जाऊंगी मैं, तो बहुत सुंदर लगेगा। ये मैंने सब पेरिस के लिए मंगाए थे, बो वगैरह जो भी है, ये हेयर्स वाले। टाइम में बुबू बैग खोल के डाल दूं क्या, अब आ ही गया है तो। ये भी काफी सॉफ्ट है यार। वाह बुबू, यही तो चाहिए था। क्या चाहिए वो देख लो, पर हमारे पास तुम ये मान लो 5 मिनट में करना है। ये तुम्हारा हो गया, ये सही है, सब सही। इनके रिव्यू बाद में करना। हाँ इनके वो मैं बाद में करूंगी, ठीक है। बाकी सेट, अब हमारे शीन से जो कपड़े अंदर वो भी आ गए, अब हम टेंशन फ्री होके जा रहे हैं। कुछ कपड़े डाल दे, कुछ कपड़े मैंने वहीं पटक दिए भी सोफे में, क्योंकि मैंने पहन के नहीं देखा, अगर मैं लेके चले जाऊँ फिटिंग ना है कुछ ना है। तो अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट पे। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, बस अभी हम लोग सामान ढो रहे हैं, थोड़ा सा सेटल होते हैं। ये होता टर्मिनल है एयरपोर्ट, तो बाहर से शुरू हो गया ना, तो फोन पे ही लगा रहता है बस, क्या बोले। तो हम लोगों ने ली थी यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, डायरेक्ट मेट्रो है, तो मेट्रो ने हमें सामने भी उतार दिया था और उसी से अंदर अंदर से कनेक्ट है ये एयरपोर्ट। ये अंदर अंदर से जो कनेक्ट है ना एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से, है ना, क्योंकि बाहर तो हम कहीं आए नहीं, बस सीधा मेट्रो लाइन से उतरे और यहाँ आ गए टर्मिनल पे अपने। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आप हमारे प्रोफाइल में और झंडे बढ़ने वाले हैं। yes. ये फ्रांस का झंडा और बढ़ जाएगा अभी। मस्त व्यू है, चलो गाइस अंदर। तुम अभी अपने पास ही रख रहे मेरा पासपोर्ट, ठीक है, यहाँ से जाना है। दोनों सब बैग्स लेके जा रहे हैं। एक बार दिल्ली में ना मेरे साथ इसमें बैग गिर गया, तो तब से लेके अब तक मेरे अंदर डर बैठा हुआ है, तो मैं नहीं लेके जाती हूँ बैग्स, तो मैं अकेले जाऊँगी। yes, guys, ऐसा नहीं है, बस मैंने सीढ़ी सीढ़ी पर नहीं पकड़ा था बैग, अब मैंने वापस पकड़ लिया। सब लोग मुझे देख रहे हैं ऐसे, क्या कर रही है लड़की। बाय बाय बैग्स, माँ मिलेंगे, टाटा। चल बंदा है, वो पासपोर्ट मत छोड़ देना। चलो पासपोर्ट तो लेने दो, बिना पासपोर्ट कहाँ जाएंगे। चलो गाइस हमारे बैग जा चुके हैं, अभी हमारी फ्लाइट में टाइम है ना अभी, तो अभी तो थोड़ा सा हम सुस्ताते हैं, बैठते हैं, देखते हैं क्या करेंगे अभी। पहले पहुंच जाएं यार, ये वाले एयरपोर्ट में बड़ी अच्छी आ रही है यार वीडियो। तो पहली बार इंडिया के एयरपोर्ट में आने के लिए ही आपका टिकट होना चाहिए और आपको गेट पे रोक लेते हैं, वो रहा गेट, एक बार दिखाना होगा। मैं बैक कैमरे से दिखा हमारा गेट जहाँ से हम आए थे, एंट्री गेट है, इस पे कोई भी नहीं, वो जो एंट्री गेट था उस पर कोई चेकिंग नहीं होती है, उसमें कोई भी ऐसा पुलिस वाला है कोई भी नहीं खड़ा रहता है। प्लस आपको टिकट होना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो टिकट काउंटर से वो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना सामान लेके आ सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके सिवा अगर आप देखोगे तो ये सारे बैगेज ड्रॉप के काउंटर है, जहाँ तक हमारे यहाँ पहुँचना तो मतलब डिफिकल्ट टास्क ही होता है कि आपका एक आध दो लाइन लग चुकी होती है। यहाँ पे बहुत ईजिली हो गया, बहुत आराम से हो गया। अब हम है ना उस तरफ जाएंगे शायद, जिस तरफ सिक्योरिटी चेक होगा, वो भी मुझे लग रहा है बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे भीड़ ही नहीं है। हमारा मेट्रो वाला मुझे बहुत सही लगा, हमें कहीं भटकना नहीं पड़ा, हमने सीधा मेट्रो ली। हम लोग एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट टर्मिनल 2 से थी हमारी फ्लाइट, तो उसने एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे हमें पहुंचा दिया और वहाँ से अंदर 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 एयरपोर्ट आ गए। बस कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, फटाफट हमने अपना बैगेज ड्रॉप करा और हम अभी फ्री हो गए। बस एयरपोर्ट पे आने के लिए भी इनके पास कई ऑप्शन है, अलग अलग कंपनी की मेट्रोज भी है, TMB, रोडलीज, मतलब मल्टीपल वेज है आपके पास आने के। और
बहुत ही इजी है सब। तो जैसे ड्रॉप कर दिया है तो मैं चाहूँ तो मैं एयरपोर्ट से बाहर जा सकती हूँ। हाँ, तो इंडिया में तो नहीं होता। अगर आपने इंडिया में नहीं होता कोई, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा वो सिक्योरिटी वाला चेक्स है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हम जिस रास्ते से आए थे उसमें कोई भी चेकिंग नहीं थी, यहाँ पे भी कोई चेकिंग तो नहीं है, किसी भी गेट से बाहर। तो मतलब अगर हमें बाहर जाना तो बाहर टहल वहल के जब तक आपकी फ्लाइट है वापस एयरपोर्ट आ जाओ। यस, क्या बढ़िया है यार। एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है तो आप वापस सिटी जाके नहीं आ सकते। वो तो है। और बैगेज ड्रॉप भी एक लिमिटेड टाइम में ही खुलता है, अगर तुम देखो तो 3 आवर्स या 4 आवर्स पहले ही खुलता है। तो ऐसा नहीं कि आप सुबह से बैग ड्रॉप करके वापस घूम लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ सही है यार। और यहाँ पे एयरपोर्ट देखो भाई भीड़ ही नहीं है, खाली पड़े हैं एयरपोर्ट। हम लोग अपना गेट नंबर चेक कर रहे थे तो हमारा ये वाला है पेरिस का, और देखो हमारा गेट नंबर है यू। यहाँ पर अल्फाबेटिकल गेट नंबर्स दे रखे WURY। हमारे यहाँ पे नंबर्स होते हैं इनके यहाँ ऐसे। मेरी बक्से, मेरी बेल्ट, शूज, बूट सब उतरवा दिए थे भाई साहब। अब मैं बेल्ट लगा रही हूँ। अभी यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो सिक्योरिटी चेक पे पीछे, तो जैसे लड़कों की तो बेल्ट वगैरह उतरवाते हैं ना, तो यहाँ पर इन्होंने भी मतलब सब कुछ उतराया। यहाँ पर इन्होंने बोला मेरे को बूट्स भी उतारने हैं, बेल्ट भी उतारनी है, लॉन्ग कोट भी उतारना है। ये तो खैर कोट के लिए तो इंडिया में भी बोलते हैं, उनको तो मैं देख के ना भरोसा नहीं हो रहा था। चुप रहो, कुछ तो गलत लग रहा है। नहीं, चुप रहो। सारी लड़कियों के उतरवाए जिनके भी हाई बूट्स थे, जैसे मेरे बूट्स थे, तो उन्होंने मेरे को भी बोला कि बेल्ट भी उतारो, बूट्स भी उतारो और कोट भी अपना रिमूव करो। तो मेरे को पता है इंडिया में भी होता है बेल्ट और बूट्स का, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा इंडिया के एयरपोर्ट पे होता है ऐसे नहीं होता। ठीक है चलो, गए हैं अभी एयरपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे गाइस मुझे कैरोलिना हेरेरा का परफ्यूम ट्राई कराना था क्यूटो, एंड इसमें से मुझे ये पिंक वाला बहुत पसंद आया था। वैसे मैं इसका बॉयज वाला यूज़ करती थी, बैड बॉय जो कि क्यूटो का है, तो मैं क्यूटो का परफ्यूम नहीं यूज़ करूँ, इसलिए क्यूटो ने फाइनली मुझे लड़कियों वाला परफ्यूम दिला दिया था गुड गर्ल। तो इसमें मुझे यार ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो सारी फ्रेग्रेंस एक जैसी लग रही, तो मैंने इसमें से ये पिंक वाला उठा लिया, मुझे ये सही लगा। थैंक यू। क्या लेने का प्लान है? शैम्पू तो भी है पड़ा हुआ मेरे पास। तुम वो क्या बोल रहे थे, क्रीम? क्रीम वो मुझे वो क्रीम पता नहीं यहाँ पे दिखनी। शैम्पू तो भी मेरा काफी बचा है। वेज में देखने यार, बाहर ना यार वेज ढूंढना बहुत टेढ़ी खीर है। बर्गर में नॉन वेज होते हैं, मेरे को तो फ्राइज दे दो सिंपल। ओके मान लो तुम अपने चिकन वाले ले लो, मेरे को तो वेज चलेगा। फ्राइज नहीं दिख रहे क्या? फ्राइज मिल जाएगा ना, तो फ्राइज कर लेते। चीज डालना है? ठीक है। ये मेरा व्लॉग है बुबू भाई साहब, बिल्कुल कैमरा हाथ में नहीं लेता, सारा मुझे ही शूट करना पड़ता है। मेरे व्लॉग में सबसे कम ना मैं ही आती हूँ, सिर्फ बुबू ही छाया रहता है। थोड़ी देर में आएगा। अच्छा बैठ जाओ तुम तब तक। बर्गर किंग चलो। गाइस वेज वालों के पास तो यही ऑप्शन होता है बाहर, क्या फ्रेंच फ्राइज खा लो, और ये वेज बर्गर हमें मिल गया। मैं सच बताऊँ सारे एयरपोर्ट में ना वेज ऑप्शन मिलता नहीं है, वो शुक्र है बस यहाँ पे ये वेज बर्गर हमें मिल गया। अब हम उड़े यहाँ से पेरिस के लिए। थैंक यू बुबू। यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, रायन एयर में जहाँ पे आप फ्लाइट बोर्ड करते हो ना, प्लेन बोर्ड कर रहे होते हो उस टाइम पे ये लोग आपके जो हैंड बैगेज होते हैं, एक ट्रॉली वाला और एक आप जो आपने बैकपैक लिया है उसका भी साइज़ चेक करते हैं। अगर वो उस साइज़ में नहीं आता है तो फिर आपको उसका अलग से पे करना पड़ता है, शायद हमें नहीं पता पे करना पड़ता है नहीं, बट कुछ तो होता होगा। काफ़ी लोग बोल रहे थे हो गया तो वगैरह, नहीं हमारे सामने दिखाओ, अगर हम देखेंगे अगर हमें हाँ दिखेगा तो ही हम जाने देंगे। तो उसमें एक मतलब आपका डिफाइंड साइज़ है, उस साइज़ के अंदर ही आपका बैग आना चाहिए। हमारा तो एक बहुत ही छोटे बैग थे तो हमें नहीं बोला, बट जिनके बैग पैक दिखते हैं कि ये काफ़ी बड़े हैं या जिनका ट्रॉली बैग दिखता है। तो अब हम आपसे मिलते हैं पेरिस में बीच बीच में अच्छे अच्छे सेगुरिदाद, इंसर्ट एल एक्सट्रेमो मेटालिको इन ला विला y ajustelo tirando del final del mismo. Para desabrocharlo, levante la tapa de la hebilla. One eternity later. Las mascarillas de oxígeno caerán automáticamente del panel encima de sus cabezas. Permanezca sentado y tire firmemente de la mascarilla para iniciar el flujo de oxígeno. Coloque la mascarilla sobre su nariz y boca. Ajústela tirando de la... ¡Chale!
इस प्लेन की जो इस प्लेन ने जो लैंडिंग करी है ना, अभी आप मेरे व्लॉग में देखना, मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी और लैंडिंग कैसे हुई है, ये मेरी अभी तक की ना सबसे यादगार लैंडिंग भी है। यस, तो कुछ ही बैगों में एक बैग तो आ गया, उसका बैग पहले आ गया। तो गाइस हम जो एयरपोर्ट पे है ना, यहाँ पे पेरिस में 3 एयरपोर्ट है, उसमें से हम लोग जिस एयरपोर्ट पे हैं ये 1 घंटा दूर है। तो यहाँ से सब लोग शटल बस की टिकट ले रहे हैं, बट हमने ऑलरेडी पहले से ले रही थी और कॉपी हमारे पास पड़ी, तो हम डायरेक्ट बस में जाएंगे और वो आपको होटल में पहुँचाएगी। तो देखते हैं वो कितना ईजी है अभी यहाँ से जाना, ट्रांजिट करना।